कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए भारत दुनिया के अन्य देशों की मदद के लिए आगे आया है। भारत ने शुक्रवार से दूसरे देशों को भी वैक्सीन भेजने का काम शुरू कर दिया है। भारत ने ब्राजील को कोरोना की वैक्सीन भेजी। इससे ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो काफी खुश हैं। उन्होंने इसके लिए भारत का आभार जताते हुए हनुमान जी की संजीवनी बूटी ले जाती हुई तस्वीर ट्वीट की है। असल में भारत से कोरोना वैक्सीन की 20 लाख डोज मिलने के बाद राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने खुशी जाहिर की। बोल्सोनारो ने हनुमान जी की संजीवनी बूटी लेकर जाते हुए तस्वीर ट्वीट की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का आभार जताया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्वीट में लिखा, वैश्विक बाधा को दूर करने के प्रयासों में शामिल एक महान भागीदार को पाकर ब्राजील सम्मानित महसूस कर रहा है। भारत से ब्राजील वैक्सीन का निर्यात कर हमारी सहायता करने के लिए धन्यवाद। उन्होंने हिंदी में भी धन्यवाद लिखकर भारत के प्रति अपना आभार जताया। दूसरे देशों को वैक्सीन भेजने के भारत के कदम की अमेरिका ने तारीफ की। अमेरिका ने कहा कि हम वैश्विक स्वास्थ्य में भारत की भूमिका की सराहना करते हैं। भारत दक्षिण एशिया में कोरोना वैक्सीन की लाखों खुराक भेज रहा है। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।